एक्सरसाइज 13.2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर वन में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एस इक्वल टू 10। अब देखिए, जब कोई एक फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स अगर हमको निकालना है एफ डैश एट 10, तो एफ 10 प्लस एच यानी जो भी एन आपको दिया हो उसमें एन प्लस एच माइनस या एक्स कह सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, जहां h जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप 10 प्लस h रखेंगे यहां पर तो ये बनेगा, केवल 10 रखेंगे तो ये बनेगा, बाकी h तो है नीचे। ये इस तरीके से होता है कि आपका जो h है ऊपर नीचे वो कट जाए, यहां पर कटता है, आप देखेंगे यहां पर ये h कट गया और 20 प्लस h आएगा, सीधा h टेंड्स टू लिमिट लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 10 विल बी 20। क्वेश्चन नंबर टू में भी इसी तरीके से है, आपका जो 99x है ये फंक्शन है, x इक्वल टू 100 आपको इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए 99 है, x है 99, सीधा इसमें f 100 प्लस h माइनस f 100 बाय h करेंगे, 100 प्लस h माने x की जगह आप 100 प्लस h रख देंगे, यहां पर तो खैर 100 ही रखना पड़ेगा, बाय h है ये आपका, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये एच और एच कट जाएगा, सीधा आपका 99 आएगा। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 तो एफ डैश 1 निकालना है। डेरिवेटिव जो होता है एफ डैश से रिप्रेजेंट होता है और किस वैल्यू पे है, 1 पे, तो एफ 1 प्लस एच यानी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, 1 प्लस एच माइनस 1 बाय एच, तो ये तो सीधा एच एच कट जाएगा क्योंकि 1 और 1 हट रहा है, सीधा आपका 1 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो अभी हमने पिछले भी सॉल्व किया क्वेश्चन, ये होता फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो लिमिट इसकी एफ एक्स की है आपकी यहां पर एच टेंस टू जीरो, और सबसे पहला हम करते हैं एक्स क्यूब माइनस 27, सीधा एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालिए और यहां पर आप x प्लस एच क्यूब माइनस 27 और यहां पर एफ एक्स की जगह सीधा एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एच, तो एच और एच ऊपर से नीचे से आपका कैंसिल आउट हो जाता है और अब यहां पर देखिए आपके पास यही टर्म बचा, बाकी एच और एच जीरो रख दिया तो आपने पास 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपका एफ एक्स आपका एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, यहां पर जितना भी है एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दीजिए, एक्स प्लस एच डाल दीजिए जैसे यहां पर किया जैसे यहां पर किया, और माइनस एफ एक्स तो खैर यही वैल्यू हम उठा के रख देते हैं बाय एच होता है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे हम कि क्या वैल्यू आती है, वो आपका 2x माइनस 3 आएगी क्योंकि कुछ वैल्यूज आपकी एच जो ऊपर नीचे नॉर्मली अमूमन तौर पे कट जाती है। अब एफ एक्स इक्वल टू आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसमें भी ऐसे कुछ करना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो एफ 1 बाय ये एक्स प्लस एच यानी 1 बाय एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एच, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर आपका ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है एच, यहां से आपको बन रहा है ए एच था ही, ये एच और एच एच कैंसिल हो जाएगा और फिर आप एक पॉइंट पे जाके वहां वैल्यू एच को जीरो रखें, जब वहां रखना है जब आपकी वैल्यू कोई इनफाइनाइट टाइप की नहीं आ रही है वैसा रखना है जी, इस पॉइंट पे आप देखिए यहां रख सकते हैं माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, यहां पर है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, यहां पर भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे और एक्स जहां जहां ये जो एक्चुअली है ना इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देना बस आपको, और ये तो खैर एक्स है ये, और फिर इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद देखेंगे आप कि जो भी कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद अब माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे फाइंड द फंक्शन दिस। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एस ऑफ दिस फंक्शन, तो ये क्या आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है ना डेरिवेटिव, देखिए 100 यहां पर अगर आप डेरिवेटिव इसका निकालेंगे अलग अलग लेके अगर करें
तो देखिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ अगर क्या होगा 100 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 99 और 100, इसी तरीके से सबका कर लेंगे और लास्ट वाला जो डिवाइड एक्स ऑफ वन क्या होता है, तो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स विल बी दिस। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे आप वैल्यू अगर इसकी रखें तो आपको वन मिलेगा, यहां पर केवल वन बचेगा, और एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, जितने भी वन 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 डालते रहेंगे आप, यहां पर देखिए वन से लेकर 99 यानी कि आपके पास पूरे 100 वंस हैं, तो ये आपका 100 वैल्यूज आ गई, और एफ डैश एक्स एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये आपको डेरिवेटिव निकालना है इस पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन का, फॉर सम फिक्स रियल नंबर ए, ये भी देखिए, तो एफ एक्स ये है डी वाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे हम, सीधा डी वाई डी एफ ऑक्स ऑफ दिस, एक एक अलग कर लीजिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर ले लीजिए, जैसे यहां पर लिया हुआ है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का बाहर ले लिया, और फिर एक्स की पावर एन इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये एक्स की पावर एन माइनस वन है ना, तो ये ए बाहर था एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, वैसे सब में लगाएंगे, ये तो खैर डिवाइड डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट जीरो, ये यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब यहां पर आपकी ये सब वैल्यू आई और फाइनली आप इस पे अराइव करेंगे, और यहां पर है फाइंड सम कॉन्स्टेंट ए एंड बी एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस दिस, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं इसको, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी कर दीजिए, और उसके बाद एक एक कट यहां पर डिवाइड डी एक्स करिए एक एक लेके, तो ये डिवाइड डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, केवल एक्स वाले टर्म का डिवाइड डी एक्स होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा। अब क्या है कि ये एफ डैश एक्स दिस इज टू एक्स दिस इज वन, इसका मतलब प्लस भी बचेगा, और यहां पर आप क्या करेंगे अपना एन एक्स माइनस वन करके टू एक्स माइनस ए माइनस भी आ जाएगा। अब अगले वाले में आते हैं, इसमें भी क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस होल स्क्वायर है, इसको पूरा ओपन कर लीजिए, ये पूरा ओपन हो जाएगा, एक एक नंबर ले लीजिए और इसका डिवाइड डी एक्स निकाल लीजिए, कॉन्स्टेंट को बाहर लेना है, तो देखिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बस ये इसका गूढ़ रहस्य है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये डिवाइड डी एक्स, तो सीधा फोर एक्स क्यूब का, तो फोर बाहर लीजिए, एक्स क्यूब होता है क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से सारे का ले लीजिए, ये तो खैर जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका टर्म बनेगा ये फोर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर आप इसमें आएंगे ये वाला टर्म, अब ये ए बाय बी है या यू बाय वी वाला, बुक में हमने यू बाय वी से पढ़ा हुआ है, तो ये यू बाय वी है, तो क्वेश्चन रूल क्या है, आप इसको लीजिए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब नीचे वाला का होल स्क्वायर आएगा, फिर नीचे वाला पहले यहां आएगा, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर, फिर माइनस एक्स माइनस ए यानी कि न्यूमरेटर या ऊपर वाला, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ये इसका तरीका होता है अलग अलग करके, और फिर अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको फॉर सम कॉन्स्टेंट ए। देखिए इसका भी तरीका भी यही है आपका, यू बाय वी डी बाय डी ऑफ यू बाय वी, वो कैसे निकालेंगे आप, कि सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर ऊपर वाला नीचे वाला लेंगे, और फिर ऊपर वाले का डिवाइड एक्स निकालेंगे, और इसका वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों को, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है यू बाय वी का, ऐसा होता है वी स्क्वायर वी डिवाइड एक्स ऑफ फिर यू वी डैश मतलब डिवाइड एक्स, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नाइन पे आएंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब इन सब का डेरिवेटिव निकालना है सारे टर्म्स का, तो 2x माइनस थ्री और डी बाई डी एक्स ऑफ टू कॉन्स्टेंट लीजिए, जो x होता है उसका 1 होता है, क्योंकि कोई भी है x की पावर 1 है ना, तो इसका क्या होगा 1 यहां आएगा n मतलब 1 x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये 1 बचेगा, ये केवल 1 बचेगा, इस तरीके एक्स का आपका डिवाइड डी एक्स जो होता है वो 1 होता है, और कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है क्योंकि एक्स की पावर 0 है, इसमें 0 बाहर आएगा तो ये वैसे भी 0 बन जाएगा, तो ये
इसका इस तरीके से आएगा। यहां पर आप आइए, दोनों टर्म्स को या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, पहले वाले का करिए फिर दूसरे का निकालिए, पहले वाले को बाहर लेके दूसरे का निकालिए, फिर दूसरे वाले को रख के पहले वाले का निकालिए, यह भी एक तरीका है। या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बड़ा अगर एक्सप्रेशन हो तो टाइम लग सकता है। तो अब देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये माइनस वन तो खैर जीरो ही हो जाएगा, ये एक्स है ये वन बच जाएगा। यहां पर आइए फाइव एक्स क्यूब है, फाइव तो है ही है, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एन एक्स की पावर एन माइनस वन लगाएंगे और थ्री कॉन्स्टेंट है और ये एक्स एक्स की एक्स का अगर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे दैट विल बी वन और वन का जीरो, तो ये टर्म बनेगा, ये टर्म बनेगा, फाइनली हम इस पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास है इससे हम कहते हैं लेबनिट्स रूल, मतलब फर्स्ट रखिए दूसरे का डिवाइड एस निकालिए प्लस दूसरे को रखिए पहले का डिवाइड एस निकालिए, ये लेबनिट्स रूल कहते हैं इसको। इसको भी इसी तरीके से किया गया है और फाइनली ये उत्तर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसी तरीके से हुआ है, सबसे पहले हमने इसको बाहर लिया, इसका डिवाइड एक्स निकाला। अच्छा देखिए एक्स की पावर माइनस वन नाइन आ रहा है यहाँ पर, इसका क्या होगा माइनस नाइन एक्स की पावर माइनस नाइन माइनस वन दैट इज एक्स की पावर, देखिए एक्स की पावर टेन आएगी, एक्स की पावर माइनस टेन। तो फार्मूला और रामबाण और जो इसका क्रक्स है वो यही है, एक्स की पावर ए एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप इस पर आएंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसमें पहले इसको करिए फिर बाद में कॉन्स्टेंट मतलब बाहर लीजिए फिर इसको करिए सेकंड पार्टी को, फिर सेकंड को ऐसे रख लीजिए फिर फर्स्ट पार्टी को कर लीजिए और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसमें भी ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास दो टर्म है जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इसको अलग लीजिए इसको अलग लीजिए, इसको आप करिए डिवीजन रूल से, यानी कि पहले नीचे वाले का स्क्वायर करिए फिर ये जो डिवीजन रूल है यू बाई वी वाला जो अभी मैंने बताया वैसे करिए, इसको भी यू करिए उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, अब ये देखिए इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल तो कॉस एक्स है, अब इसमें यह बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ठीक। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस ये एफ एक्स तो कॉस एक्स है ना, एफ एक्स प्लस एच मतलब कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो खैर कॉस एक्स है ही बाय एच। अब यहां पर करना क्या है, आपको कॉस जो एक्स प्लस एच है ना उसको खोल देना है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और माइनस कॉस एक्स तो है ही। इसमें अब क्या करें आप, ये वाले में ये और ये वाला टर्म उठाइए, इसमें कॉस एक्स बल्कि माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए तो वन माइनस कॉस एच बचेगा, बाकी ये तो आएगा ही आएगा, ये यहां पर आ गया। अब इसमें इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये अलग और ये अलग डिवाइड बाय एच एच अलग कर लीजिए, ये वाले को अलग करेंगे ये वाले को अलग करेंगे। देखिए क्योंकि ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है तो इसमें एच वाले टर्म से रखेंगे, कॉस एक्स को बाहर ले लीजिए। इसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट एच की है तो साइन एक्स का कोई काम नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए। यहां पर भी कॉस एक्स का बल्कि माइनस एक्स का कोई कॉस एक्स का कोई काम नहीं, इसको बाहर कर दीजिए, ये अंदर रहने दीजिए ये अंदर रहने दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं वन माइनस कॉस एच बाय एच इक्वल टू जीरो होता है और साइन एच बाय एच इक्वल टू जीरो सॉरी वन होता है, तो बस यहां पर आप वैल्यू दर्ज कर दीजिए जीरो और वन और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये तो हम जानते ही हैं कि ये माइनस साइन एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर हमने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक ही करके देखते हैं हम इसमें। तो अब इसमें क्या है कि साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो सीधा आप साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच की जगह रख दीजिए, एफ एक्स यहां रख दीजिए यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स यहां रख दीजिए, यहां एच रख दीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये साइन एक्स ये एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस है ना, इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो टू साइन ए साइन एक्स प्लस एच साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये वाला जो टर्म है इसको, और यहां पर देखिए यहां पर भी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पूरे से टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी टू से डिवाइड कर रहे हैं बाहर, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स, और ये टू साइन एक्स प्लस एच प्लस इंटू कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस एच, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू टू थीटा, इसी तरह टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स। अब ये जो है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें,
वो लगेगा 2 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू, और यहां का बनेगा cos 4x प्लस 2h बाई टू और sin 2h बाई टू, 2 कट जाएगा, 2 यहां से भी निकल जाएगा, तो आपका बनेगा cos 2x प्लस h और sin h, अलग अलग ले लेंगे तो बनेगा लिमिट cos 2x प्लस h और लिमिट sin h बाय, अब ये h यहां लगा देंगे sin h बाय, अलग अलग लिमिट ले लेंगे, ये तो सीधा आपको पता है 1 होता है, cos 2x प्लस h में h को 0 रखिए cos 2x आ जाएगा उत्तर इसका। sec x का निकालना है यानी कि आपको sec x प्लस h करना पड़ेगा यहां पर f x प्लस h की जगह, और इसकी जगह sec x प्लस h और माइनस sec x बाय h, ये तो आप खैर कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 1 बाय cos करेंगे इसको, इसको 1 बाय cos करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे हमको ये मिलेगा, यहां cos x माइनस cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे बनेगा माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, cos x प्लस h यहां रहने देंगे, cos x बाहर निकाल देंगे क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, sin h इक्वल टू लिमिट h की हो रही है, cos x यहां पर बाहर लिया जा सकता है, इट इज लाइक अ कॉन्स्टेंट। इसको जरा सॉल्व करेंगे 2x प्लस h आएगा, ये माइनस ये कट जाएंगे माइनस एच बाय टू, और माइनस माइनस बाहर जाएंगे जो भी हो सकता है साइन माइनस थीटा, और ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा ना, तो माइनस यहां माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इस पे ध्यान देंगे हम कि ये क्या हो रहा है, अब इसमें साइन एच बाय टू, देखिए ये साइन एच बाय टू है ना, नीचे एच बाय टू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, नीचे एच बाय टू से डिवाइड करेंगे तो एच बाय टू से आपको कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्यों करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये एच है, बस टू से करना पड़ेगा कि टू, और वो भी टू भी यहां से मिल रहा है हमको, बस एच बाय टू यहां से मिल गया, और साइन एच बाय टू ये वाला ये कंटेंट अलग कर लेंगे, ये दोनों कंटेंट अलग कर लेंगे, ये अलग डील करेंगे, ये अलग डीलेंगे, ये इसलिए अलग डील करेंगे क्योंकि सीधा वन दिख रहा है हमें, साइन एक्स बाय एक्स इज वन। हाँ, अब इस पर जीरो रख दीजिए एच को, ये बनेगा साइन ये भी टू टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये और ये कॉस एक्स मतलब साइन सेक एक्स टेन एक्स, ये सेक एक्स टेन एक्स इसका उत्तर आएगा। फिर एफ एक्स इक्वल टू फाइव सेक एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, और इसमें भी ये एक्स प्लस एच रखेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा माइनस फाइव सेक एक्स प्लस कॉस एक्स यहां पर बाय एच। अब इसमें क्या है कि हम ये जो फाइव और फोर लिया ना हमने, सीधा देखिए यहां पर क्या, इसको 5 कॉन्स्टेंट ले लीजिए और इसको अलग कर लीजिए 5 वाले टर्म्स को, इसको और इसको, sec x प्लस h माइनस sec x बाय h, और ये cos x वाले टर्म को अलग कर लीजिए, देखिए cos x प्लस h माइनस cos, क्योंकि 4 कॉन्स्टेंट था ना, 5 दोनों में एक जैसा था इसलिए बाहर ले लिया। अब इनके साथ हम अपने ऑपरेशन करेंगे, ये sec x माइनस sec x प्लस h जो है इसको हम 1 बाय cos लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर एच भी बाहर ले लीजिए, ये वन बाय एच। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का आप यहां पर पूरी तरीके से ओपन करिए, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस एक्स को ही रहने दीजिए, और यहां पर क्या करना है इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच और ये टर्म। अब देखिए इनमें क्या है कि ये वाला फर्स्ट वाले जो है इसमें कॉस एक्स का तो कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर ले लीजिए, ये बाहर ले लिया, जो cos a माइनस cos b आया इसको सीधा 2 sin a प्लस बी ए माइनस बी माइनस बल्कि इससे आप ओपन कर दीजिए, यहां पर cos x प्लस h बच जाएगा। यहां पर क्या करेंगे आप, ये इसको sin x और sin h तो अलग करिए, cos x cos h माइनस cos x में cos x बाहर ले लीजिए, 1 माइनस cos h बचेगा, हम ध्यान रखिएगा h हमारे पास अभी बाहर है। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो टर्म बचा हमारे पास, इसमें हम ये इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस h आ जाएगा, ये यहां पर 2x प्लस h लिखा, इसमें ये कट जाएगा तो h बाय 2 आ गया। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था h साइन h बाय 2, तो इसके नीचे h बाय 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, h यहां से मिल गया 2 यहां से मिल गया ये, और साइन 2x बाय 2 और cos x प्लस h को रहने दीजिए। यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये 1 माइनस cos h बाय h ले लिया, h अंदर ले लिया ना यहां से अंदर, और यहां से h इसके भी इसके साथ भी ले लिया, और बाकी cos x तो बाहर था ही और sin x यहां बाहर था ही इसके साथ, तो sin h बाय h इज 1 और 1 माइनस cos h बाय h इज 0, ये टर्म हट जाएगा, यहां पर केवल आपको ये बचेगा, तो
यहां पर केवल 4 sin x बचेगा। अब ये वाला टर्म जो है इसको तो 1 कर दीजिए सीधा आप अलग लेके, यहां पर आप h की जगह 0 डाल दीजिए, ये 0 यहां 0, तो आपको बाहर 5 प्लस cos x, अंदर sin x cos x और माइनस 4 sin x, तो यानी कि ये वाला टर्म आएगा 5 sec x tan x माइनस 4 sin x। इसी तरीके से आपका cos x प्लस h माइनस cos x बाय h, इनको साइन वाले टर्म्स में बना दीजिए, 1 बाय साइन एक्स प्लस एच और 1 बाय साइन एक्स, और सीधा फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा साइन ए माइनस बी बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 ए माइनस बी बाय 2, ये आपका बन जाएगा। यानी कि आपके पास ये वाला टर्म जो है इसमें तो ये कट जाएगा, 2 एक्स प्लस एच बाय 2 आएगा या माइनस एच बाय 2 आएगा। देखिए साहब हमारे पास 2 भी है एच भी है, यहां इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए और साइन माइनस एक्स को माइनस बाहर ले लीजिए, ये माइनस बाहर आ गया, और साइन एच बाय टू के नीचे एच बाय टू रख दीजिए, ये जो वाला जो पूरा टर्म है ये वाला पूरा टर्म इसको अलग कर लीजिए जैसे यहाँ किया हुआ, और लिमिट एच बाय टू टेंड्स टू जीरो। ध्यान दीजिएगा कि लिमिट एच तो इसके लिए है, लेकिन जब एच बाय टू की बात आती है तो एच बाय टू करना पड़ेगा, अगर लिमिट एच बाय टू नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा बाय थीटा होगा तभी थीटा टेंड्स टू जीरो होगा, और जहां पर ये टर्म है इसमें तो आप सीधा सीधे के सीधे साइन एक्स कॉन्स्टेंट एच एच जीरो रख दीजिए और ये आपका फाइनली आ जाएगा, क्योंकि ये तो वन बन जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आ जाएगा आपका, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स, इसमें भी ऐसे करना है 3 कॉट एक्स प्लस एच प्लस कोसेक 5 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स 5 कोसेक एक्स। ये इस प्रकार के सवाल होंगे ना इसमें, इसमें क्या करिए, सबसे पहले ये जो कॉन्स्टेंट टर्म एक जैसे जिसके हैं उनको एक जगह कर लीजिए, जैसे यहां किया, जैसे ये 5 है ये वाला एक जगह कर लिया, और सीधा फिर फॉर्मूला उठा दीजिए, ये कॉस एक्स ये जो है ना कॉट ए माइनस कॉट बी, इसमें तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इसको कॉस बाय साइन कर दीजिए, इसको भी कॉस बाय साइन कर दीजिए, एक ही करके ले रहे हैं ना, पहले इसको करेंगे, इसको थोड़ा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये यानी कि आप इसका एलसीएम लीजिए, और यहां पर देखिए जो टर्म्स बनेंगे आपके इसमें, आप जैसे ये वाला टर्म तो यहां पर है, अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच, यानी साइन एक्स माइनस एच माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, ये साइन ए माइनस बी बन जाएगा, इससे क्या होगा ये कट जाएगा साइन माइनस एच, ये कट जाएगा है ना, साइन माइनस एच बचा, यहां पर साइन एक्स बचा, साइन एक्स का तो ऐसे भी कोई काम नहीं, इसको वैसे भी बाहर ले सकते थे, लेकिन यहां साइन एक्स प्लस एच आया, तो देखिए साइन एच ये बना, इसके नीचे एच लगाइए क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एच है, एच हमारे पास साइन माइनस ये वाला हो गया, माइनस बाहर ले लिया, और नीचे जो है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा एच की जगह जीरो रखेंगे, ये अलग से लिमिट लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज दैट विल बी माइनस वन बाय साइन स्क्वायर, ये तो वन हो ही जाएगा, माइनस वन बाय साइन स्क्वायर इज कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा ये एक पार्ट हुआ, अब दूसरा पार्ट जो राइट दूसरा पार्ट है वो ये वाला है, वन बाय कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स, इसमें भी क्या करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, वही बिल्कुल सेम तरीका है, वन बाय साइन करिए, वन बाय साइन करिए, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर टू कॉस ए ए प्लस बी ए माइनस बी बाय टू का फॉर्मूला लगाइए, और ये साइन माइनस एच बाय टू है, यहाँ पर आपके पास एच और टू दोनों है, यहाँ पर नीचे ले आइए, लिमिट एच टेंस एच बाय टू टेंस टू जीरो होगा यहाँ पे, और बाकी जो टर्म्स हैं उन सबको एक साथ कर लीजिए, साइन एक्स वैसे भी बाहर लाना है क्योंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो है, एच की जगह जीरो रखिए, तो आपको बस ये वाला फाइनल टर्म आ जाएगा, तो आपने जो दोनों किए उन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, इसमें भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच लगाएंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें 5 का भी टर्म है, 6 का भी टर्म है, और यहां पर 7 का भी टर्म है, सबसे पहले 5 वाले एक साथ ले लीजिए, 6 वाले एक साथ ले लीजिए, और बाकी 7 को भी रहने दीजिए, 7 तो वैसे भी कट जाएगा, देखिए यहां से ये कट रहा है। अब ये जो है 5 वाला टर्म, इसमें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट विल बी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का लगा लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बल्कि इस यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि कॉस ए प्लस बी से ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एच बाय एच लाना है हमें, कॉस के लिए ये लाना है, साइन के लिए साइन एच बाय एच लाना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, कल इसको ओपन करेंगे, ये इसको ओपन कर दिया, कॉस एक्स को इसी तरीके से रहने दीजिए। अब इसमें इन इसमें इसमें ये दोनों में क्या करेंगे, ये वाले दो टर्म्स में ये वाले में क्या करेंगे, कॉस एक्स बाहर लीजिए
अंदर 1 माइनस कॉस एच आ जाएगा। इसको तो यहां डायरेक्ट ले लेंगे आप, और यहां की बात चल रही है यहां पर, तो आप खैर ये सब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कर दीजिए। तो साइन 2x प्लस एच बाई टू और साइन एच बाई टू, एच बाई टू के लिए आप कहीं से ये एच है ये, बाकी 2 ले आइए और 2 से ये आपके पास था ही, 2 यहां ले आइए, साइन एच बाई टू ये तो 1 बन जाएगा। यहां पर एच को आप 0 डालेंगे तो सीधा साइन कॉस एक्स बनेगा आपका, जैसे यहां पर आप ये देखिए सीधा 5 कॉस एक्स बन गया ये वाला। इस वाले को देखते हैं माइनस ये वाले टर्म में क्या करेंगे, एच को आप अंदर ले आइए इसमें, कॉस एक्स ये 1 माइनस कॉस एच बाय एच इसको अलग लीजिए, ये आपका सीधा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या है साइन एच एक्स बाय एच इसको अलग से लीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा। तो माइनस 6 माइनस साइन एक्स अंदर है और ये आपका सीधा 6 साइन एक्स आएगा, तो 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स ये इसका उत्तर हो गया। फाइनली 2 टेन एक्स माइनस 7 सिक्स एक्स, इसमें आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, एच को बाहर लीजिए, 2 वाले टर्म एक साथ ले आइए, 7 वाले टर्म एक साथ ले आइए, 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी, इस तरीके से सेक माइनस सेक। इसमें क्या करेंगे, इसको 10 को साइन बाय कॉस में तब्दील कर देंगे, साइन बाय कॉस में, इसको साइन बाय कॉस में, इसको 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस में। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये तो आपका जो है वो साइन ए प्लस बी बन जाएगा, और ये कॉस और कॉस रहेगा 7 वाले में। यहां पर कॉस ए माइनस कॉस बी को 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 ए माइनस बी साइन, सॉरी साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। अब सीधा क्या करना है, ये जो साइन एच है क्योंकि ये कट रहा है, साइन एच बाय एच लेके आइए, ये साइन एच बाय एच इसको ऐसे रहने दीजिए। यहां पर क्या करेंगे, आपके पास एक साइन एच बाय 2 आ गया, एच बाय 2 इसके साथ भी लेके आइए कहीं, और जब एच बाय 2 करेंगे सीधा 2 बाय एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे पीछे के सब कैंसिल हो जाएंगे। तो एच बाय 2 करिए, यहां लिमिट एच बाय 2 टेंड्स टू 0 होगा। इस वाले में क्या होगा कि इसमें तो खैर कॉस एक्स वैसे ही है, और आप एच एक्स 0 रख सकते हैं, सीधा वैल्यू आएगी आपकी। देखिए जैसे यहां पर एच रखा, यहां पर एच को 0 रखा, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। यहां पर तो आपको 1 मिला, यहां पर भी वैल्यू रख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो फाइनली आपका 2 sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर दिखा माइनस 7 sec x tan x, ये इसका उत्तर हो जाएगा।